आवाज बुलंद करने का मौका। नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है हम शिमला पार्क के नूरानी पेट्रोल पंप पर। यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से धड़क मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा महंगाई के खिलाफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के खिलाफ जो महंगाई बढ़ती जा रही है देश में लगातार, उसके खिलाफ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा देश भर में निकाला गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में इस तरह का मोर्चा जो है निकाल रहे हैं। सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ये लोग। लोगों का जिस तरह से भारत में महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, उसको लेकर पूरे देशवासियों में जो गुस्सा है, उस गुस्से को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आज धड़क मोर्चा निकाला है। आइए हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरे देश में इस तरह का मोर्चा आज क्यों निकाला गया है। सर, आप बताइए कि आज क्यों ये मोर्चा निकाला गया है? पेट्रोल मोदी जी की मेहनतों की वजह से सेंचुरी के करीब पहुंचता जा रहा है और इसका असर जो है वो हर गरीब आदमी के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे आमदार जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर, सम्मान्य अखिलेश यादव जी के कहने पर, महाराष्ट्र में इस दिन को महंगाई के खिलाफ मनाने के लिए हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था, जिसका आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार हर जगह नाकाम हुई है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका डायरेक्ट असर जो है लोगों के घरों पर, उनके चूल्हों पर, उनकी पगार पर, उनके खर्चों पर पड़ रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो निंदनीय है। इसकी हम सब निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी सरकार जो गरीब आवाम को लूट रही है उसको बर्खास्त किया जाए और हम सबको सुकून से जीने दिया जाए। तो बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरह से गैस की महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से महिलाओं को जो है इसमें गैस के लिए जो है भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि गैस को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात तो हम समाजवादी पार्टी ने जो ये मोर्चा उठाया है महंगाई के खिलाफ, हर एक को तकलीफ है और ख़ास करके फैमिली में जितनी लेडीज है जो आम दिन जो यूज़ करती है सिलेंडर, जिसका भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसका हल निवारण कैसे निकलेगा? इसलिए हम लोग ने ये महंगाई के ऊपर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा निकाला है। मेरी तरफ से, परवीन कुरैशी की तरफ से, समाजवादी की जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी तरफ से मैं अजीजी रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लेडीज़ को यहाँ पे जो उपस्थित है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे को ज्वाइन किया है और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता और जितने भी अध्यक्ष है उन सबको मेरी तरफ से थैंक्स और डिपार्टमेंट वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। तो आपने देखा कि महिलाओं में जो है बढ़ती महंगाई को लेकर काफ़ी रोष है, वो मोदी सरकार के खिलाफ है कि जिस तरह से रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उनके सख्त विरोध कर रहे हैं उन लोगों ने। आइए हम और भी बात करते हैं, हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से पेट्रोल डीजल का भाव अब सेंचुरी मारने के करीब पहुँच गया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हम लोग को जो कहना था, इसीलिए जो ये महंगाई के वजह से पेट्रोल के, डीजल के आए दिन जो भाव बढ़ रहे हैं, उससे घर का भी बजट हिल रहा है और आम आदमी तो बस क्या सोचे, वो अभी तो मरने की कगार पे खड़ा कर दिया मोदी जी ने। तो बस इसी के लिए हम लोग ने एहतजाज किए है कि डीजल पेट्रोल के जैसे भाव बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोगों ने ये किया था। कहना यही कि हुकूमत के खिलाफ जो हमको ये धरना आंदोलन करने का पार्टी की तरफ से आदेश था किया, ये तकलीफें है शहर के, हर किसी को तकलीफ है ये और हर लोग ये तकलीफ में पीड़ित है। डीजल पेट्रोल का भाव जो इतना महंगा हो गया, गैस का भाव इतना महंगा हो गया, तो हुकूमत के खिलाफ है हम लोग और इंशाल्लाह हर कदम उठाएंगे हुकूमत के खिलाफ होने का हम लोग। जी बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि महंगाई को लेकर ये हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है आम आदमी के जेब पर इसका लगातार असर बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव हैं जो आसमान लगातार छूते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।